Hello everyone, today we are going to study class 10th physics. Chapter is reflection of light. So first of all, we should know the meaning of two terms. What is light and what is reflection? First is, what is light? First term we are going to study today, that is, what is light? It is a form of energy which enable us to see things around us. It is a form of energy which enables us to see things around us. Means light कुछ नहीं है, light एक तरह की energy है जो हमें आसपास की जो भी चीजें हैं उसको देखने में जो energy हमारी help करती है, that is light. तो light का complete name वैसे हम कहें तो that is light energy. Light is a type of energy which enables us to see things around us. हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए हमें light ही help करती है. Light एक तरह की energy है. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को हम तब देख सकते हैं जब उससे लाइट कहाँ रहे हो, हमारी आई आईज में. तो आप ये सोचिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. इसको हम कब देख पाएंगे? जब इससे हमारी लाइट हमारी आईज में आ रही हो, चाहे तो वो आ रही हो स्ट्रेट, चाहे हो रही हो बेंड होके कहीं से भी आ रही हो. अगर लाइट हमारी आईज में आ रही है तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. अगर लाइट हमारी आईज में ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही तो हम उसको नहीं देख पाएंगे. इट मींस अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं इसका मतलब उससे लाइट हमारी आईज में आ रही है, तभी हम उसको देख पा रहे हैं, अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट वो एनर्जी है जो हमें किसी चीज को देखने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है. दिस वाज ऑल अबाउट लाइट. जो दूसरा वर्ड है दैट इज रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है. सेकेंड टर्म हम जो समझने जा रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यहाँ क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराव के क्या जाना वापिस. तो लाइट का किसी भी हार्ड सरफेस से टकरा के वापस आ जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हम इसको लिखते हैं क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज. लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन सेम मीडियम. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन सेम मीडियम. एक मीडियम में लाइट का टकरा के वापिस आ जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक मिरर है. मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड अ मिरर. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आई, दिस इज लाइट रे. ये एक लाइट रे है. लाइट किसको आई? मिरर के ऊपर. और मिरर से टकराते ही ये जिस मीडियम से आई थी, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड से आई थी, टकरा के लेफ्ट साइड में ही चली गई. ये रिफ्लेक्टेड लाइट इधर आएगी. ये जो लाइट स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे. जो रे मिरर के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, दिस इज द लाइट रे. लाइट रे को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाना जरूरी है. अगर आप एरो नहीं लगाओगे दैट इज अ सिंपल लाइन, तो एरो लगाना जरूरी है. तो जो लाइट
एक मिरर के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है, फॉल कर रही है अपने, दैट इज इंसिडेंट रे। और मिरर टकरा के वापस भेज रहा है एक लाइट रे को, वही लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, जब रिफ्लेक्शन के बाद ही वापस आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जिस पॉइंट पे ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थ्री टर्म्स है हमारे पास, फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, सेकंड इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड थर्ड वन इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये प्रोसेस कौन सा है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आई, स्ट्राइक की लाइट इंसिडेंट रे, मिरर से टकरा के वापस आई, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का टकरा के वापस आना सेम मीडियम में, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मिरर के ऊपर, उस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन है ये रे नहीं है, इसके ऊपर हमें एरो नहीं लगाना, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर आप ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर मिरर के ऊपर है, कौन से पॉइंट के ऊपर, जहां पे लाइट आके स्ट्राइक की है, तो दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक एंगल बन गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एन, एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन, दैट इज एंगल आई, आई से इसको रिप्रेजेंट करना है, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, this is angle of incidence. Now another angle, angle between reflected ray and normal, BON, angle BON, that is angle R, इसको angle R से represent किया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये equal होनी चाहिए हमेशा, this is called angle of reflection, this is called angle of reflection, angle A1 angle of incidence, angle B1 angle of reflection, आज इसको denote किया जाता है। This was what all about reflection of light by a surface. First of all, incident ray AO is called incident ray of light. Point जिस point पे mirror पे वो strike कर रही है, that is point of incidence O. और टकरा के मिरर ने एक वापिस रे उसको भेज दी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ ओ बी इज रिफ्लेक्टेड रे, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज ओ एन, दैट इज नॉर्मल। देर आर टू एंगल्स, द एंगल आई, दैट इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड वट अबाउट another angle, that is angle between reflected ray and normal, that is angle of reflection, this is reflected ray, that is angle of reflection. This was all about reflection of light, bouncing back of light rays after striking a surface in the same medium, that is called reflection of light. This was the first lecture of reflection of light. There are two topics covered. First is what is light, and second one is what is reflection of light. Hear it properly, listen it properly, and do study at home. Thanks.